हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन कंडक्ट किया था अबाउट द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जहां पर हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड उसके कॉजेज, उसका कोर्स और उसके एंड के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था। नाउ इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द आफ्टरमैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जहां पर के हम आफ्टरमैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक डिटेल्ड डिस्कशन कंडक्ट करने वाले हैं अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय सेकंड वर्ल्ड वॉर, फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, पार्टीशन ऑफ जर्मनी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका, एंड ये जो लास्ट टॉपिक आप देख रहे हैं इमरजेंस ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस सीरीज में नहीं। इसके लिए हम एक और सीरीज चलाएंगे जहां पर के हम एक डिटेल डिस्कशन कंडक्ट करेंगे इसराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है उसको लेकर। नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टरमैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट वन, जिसमें के हम डिस्कस करेंगे डैमेजेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि ये तीनों नाम बेसिकली नाम है कैंप्स के, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये तीनों कैंप सेकंड वर्ल्ड वॉर में किस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे थे। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू द पीपल्स, यानी कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर बी टू हेल्प द मिलिट्री पर्सनल्स, यानी कि फौजियों को मदद करने के लिए, सी टू किल द पीपल्स, लोगों को मारने के लिए, एंड डी टू एजुकेट द पीपल अबाउट द बैटल्स, लोगों को यहाँ पर जंग के बारे में बताने के लिए, उनको जंग के बारे में सिखाने के लिए कि जंग कैसे लड़ी जाती है। तो कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वॉर डैमेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे इंसानों का कत्ल हुआ। अगर हम यहाँ पर सिर्फ जर्मनी की ही बात करें तो जर्मनी में 6 मिलियन यानी कि 60 लाख लोग मार दिए जाते हैं। कहाँ पर ये मार दिए जाते हैं? इन द कंसंट्रेशन कैंप्स। और ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे, ये बेसिकली लोगों को एलिमिनेट करने के लिए, एक्सटर्मिनेट करने के लिए बनाए गए थे, जहाँ पर के बहुत सारे लोग रखे गए मजदूरी पर। किस काम के लिए? लोगों को मारने के लिए। और इसके लिए बेसिकली बनाए गए थे गैस चैम्बर्स। तो ये जो लेबर थी, यहाँ पर लोगों को गैस चैम्बर्स के थ्रू मारने का काम करती थी। और बाद में यहाँ पर ये भी देखा गया कि ये जो गैस चैम्बर्स थे, इनके पास इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, फैक्ट्री सेटअप हुई, जहाँ पर के गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाने लगे। किससे? ह्यूमन स्किन से, बोन से, हेयर से। ऐसा बोला जाता है कि जो ज्यूज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गैस चैम्बर्स में मारे गए थे, उनके बालों के कालीन बनाकर, कारपेट बनाकर वो नाजीज अपने ऑफिस में यूज किया करते थे। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही हम ये देखते हैं कि इंसान ने पहली बार एटम बम का इस्तेमाल किया, जहां पर के 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किया, जिसमें के 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और इसके बहुत ज्यादा बुरे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इवन इसके साइड इफेक्ट्स आज भी जापान फेस कर रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें डेथ टोल्स की, तो ये जो आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, इस पर ये जो रेड कलर से कंट्रीज देख रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा डेथ टोल्स हुई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर की वजह से। यानी कि डेथ टोल्स के मामले में जो सबसे बड़े सफरर्स थे वो थे रशिया और चाइना। अगर हम पूरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में 4 से 6 करोड़ इंसान मारे गए, जिसमें के सबसे ज्यादा जो शेयर था वो था सोवियत यूनियन का, जिसमें के 32.3% लोग मारे गए, और जो कि सोवियत यूनियन की पॉपुलेशन का 10% थे। और ये जो टोटल डेथ टोल है, इसका 26.9% जो मरने वाले थे वो चाइनीज थे। देन अगर हम डेथ टोल्स में इंडिया का शेयर देखें तो इंडिया का शेयर भी 3.5% के आसपास है। और ये जो डेथ टोल्स आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट हैं, इसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों इंक्लूडेड हैं। देन अगर हम वॉर डैमेज को देखें मनी के टर्म्स में, तो हमें यहाँ पर एक
ह्यूज और इनॉर्मस अमाउंट यहाँ पर लॉस्ट होता हुआ दिखता है, बर्बाद होता हुआ दिखता है ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल डैमेज फेस करने वाले कंट्रीज में था यूएस और जर्मनी। अच्छा, अगर हम टोटल फाइनेंशियल डैमेजेस देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो टोटल फाइनेंशियल नुकसान था वो $13 ट्रिलियन के आसपास था, और इस $13 ट्रिलियन में से जो यूएस का नुकसान था वो था 26.2%, जर्मनी का 20.7% और रशिया का 14.8%। तो ये तीनों कंट्रीज सबसे ज्यादा फाइनेंशियल डैमेज फेस करने वालों में से थे, और अगर आप इसको डीपली एनालाइज करें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो रशिया को हुआ, रशिया को पैसों का भी नुकसान बहुत हुआ और सबसे ज्यादा जो जानी नुकसान था वो भी रशिया को ही फेस करना पड़ा। देन फाइनेंशियल डैमेजेस के टर्म्स में अगर हम देखें तो इन तीनों कंट्रीज के अलावा चाइना, यूके, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, इनको भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो यहाँ पर आपने स्टेट्स की मदद से, पाई चार्ट्स की मदद से और मैप्स की मदद से देखा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ये कितनी ज्यादा डिवेस्टेटिंग थी। तो फिर से कोई इस तरह का इवेंट जन्म ना ले तो इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप्स यहाँ पर लेने की जरूरत थी। देन इसके लिए हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म करने का यहाँ पर आइडिया प्रपोज किया गया। देन जब 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ पर ये तीनों लीडर, सर विंस्टन चर्चिल फ्रॉम यूके, जोसेफ स्टालिन फ्रॉम रशिया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फ्रॉम यूएस, तो ये तीनों लीडर्स एक मीटिंग करते हैं ईरान की कैपिटल तेहरान में, जहां पर के इस मीटिंग में ये डिक्लेरेशन देते हैं। और ये डिक्लेरेशन क्या था, इस मीटिंग के डिक्लेरेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए। एक तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर कहा गया कि उसको प्रोवाइड किया जाए और प्रमोट किया जाए, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है, ठीक है। देन दूसरा डिक्लेरेशन जो था वो यहाँ पर कॉलोनीज के जो लोग थे उनके लिए काफी एक अच्छा डिक्लेरेशन था। यहाँ पर इन तीनों लीडर्स के थ्रू ये कहा गया कि जो हर कंट्री की गवर्नमेंट है उसको चुनने का हक वहां के लोगों को होना चाहिए। देन जब 1945 में जर्मनी बिल्कुल हार की कगार पर था तो एक और कॉन्फ्रेंस की गई, और ये की गई इन द जाल्टा। जाल्टा शहर प्रेजेंटली प्रेजेंट है इन द क्रीमिया, क्रीमिया जो कि 2014 तक यूक्रेन का पार्ट था, बट 2014 में इसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था। सो हम ये देखते हैं कि जो जाल्टा कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर प्रपोज किया गया कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, और बेसिकली जिसका मकसद क्या था, जिसका मकसद था रिप्लेस करना लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशंस के बारे में मैं आपको अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस फॉर्म की गई थी ताकि दुनिया में फिर कोई इस तरह की वॉर ना हो दोबारा से। बट जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई तो हम ये देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म कर दिया गया, और नाउ अब लीग ऑफ नेशंस की जगह जो लीग ऑफ नेशंस का आइडिया था नाउ अब उसको रीमॉडल करके, रीनेम करके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से लॉन्च किया गया। सो नाउ यहाँ पर ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन थी यानी कि यूएनओ, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने वाली थी, इसका यहाँ पर काम था वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना एक पीसफुल मैनर के अंदर, जिसमें कि लीग ऑफ नेशंस बुरी तरीके से फेल रही थी, और उसके फेलियर के चलते हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंसेप्शन देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो हम ये देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएस के शहर सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज यहाँ पर यूएन फॉर्म करते हैं, और जो यूनाइटेड नेशंस था इसको फॉर्म किया गया था प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस है, अमन है, वो बरकरार रहे और सब सिक्योर रहे। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव था डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, थर्ड है प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, फोर्थ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, फिफ्थ ह्यूमन राइट्स। तो इसीलिए आप जहां पर भी दुनिया में इन पांचों चीजों का वायलेशन देखेंगे आप वहां पर यूएन को काम करते हुए देख सकते हैं।
जैसे के इसराइल के थ्रू जो पैलेस्टाइन में वायलेशन किया जाता है ह्यूमन राइट्स का, तो वहां भी यूएन की बहुत सारी बॉडीज काम कर रही हैं। सो हम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर एक सेपरेट सीरीज ऑफ लेक्चर करेंगे जहां पर के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूएन से रिलेटेड फंक्शंस की तमाम एफिलिएटेड और जो भी इसकी मेन बॉडीज हैं उनके बारे में। देन अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स की, तो ये सिचुएटेड हैं इन द न्यूयॉर्क यूएसए। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्टीशन ऑफ जर्मनी। सो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जो तीनों कैंप्स बनाए गए थे इनका पर्पज क्या था। तो इसका पर्पज था टू किल द पीपल्स। यस माई फ्रेंड्स, बेसिकली ये तीनों कैंप्स कंसंट्रेशन कैंप्स थे, और कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इनका काम था लोगों को मारना, एक्सटर्मिनेट करना। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके बाय।